Dear student, in today's video, I am going to discuss a numerical based on EDTA method. And in this numerical, we have to calculate total, temporary and permanent hardness of given water sample. So let's start with this numerical. See what is given in this numerical. 0.28 gram of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution was made to 1 liter with distilled water. तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहली बात इन्होंने करी है कि इन्होंने 0.28 ग्राम CaCO3 लिया है, उसे डिसॉल्व किया है HCl में और फिर उसका वॉल्यूम को उन्होंने 1 लीटर तक मेकअप किया है बाय यूजिंग डिस्टिल वाटर. मतलब इसको डिसॉल्व करने के बाद हमने डिस्टिल वाटर उसमें ऐड किया है. अब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि CaCO3 इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. CaCO3 सॉल्यूबल नहीं होता है कम्प्लीटली, तो इसीलिए हमें उसे HCl में डिसॉल्व करना पड़ता है. जब हम HCl में उसे डिसॉल्व करते हैं तो ये CaCO3 CaCl2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड CaCl2 इज सॉल्यूबल इन वाटर. तो हमने यहाँ पे 0.28 ग्राम CaCO3 लिया, उसे HCl में डिसॉल्व किया और उसको हमने 1 लीटर तक मेकअप कर लिया. मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड CaCO3 का सॉल्यूशन होता है वो कैसे बना है, 0.28 ग्राम पर लीटर का. उसकी स्ट्रेंथ हमें आएगी 0.28 ग्राम पर लीटर. नाउ 100 ml ऑफ द अबव सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 28 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन ऑन टाइट्रेशन. तो इस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का 100 ml जब हमने लिया और उसे EDTA के साथ टाइट्रेट किया तो हमें 28 ml EDTA लगा. आफ्टर दिस 100 ml ऑफ द हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 33 ml ऑफ द सेम EDTA सॉल्यूशन ऑन टाइट्रेशन. उसके बाद हमने 100 ml वाटर सैंपल लिया जिसकी हार्डनेस हमें पता लगानी है और उसको सेम EDTA सॉल्यूशन के साथ जब हमने टाइट्रेट किया तो हमें लगा 33 ml EDTA. आफ्टर बॉइलिंग 100 ml ऑफ दिस वाटर, कूलिंग, फिल्टरिंग एंड देन टाइट्रेशन रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन. अब ये जो वाटर सैंपल था इसका फिर से हमने क्या करा है, 100 ml लिया है. और वो 100 ml कैसे लिया है, पहले हमने उस सैंपल को बॉइल कर लिया, फिर उसको कूल करके फिल्टर कर लिया. तो जब भी हम हार्ड वाटर को बॉइल करते हैं तो उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस प्रेसिपिटेट बना के रिमूव हो जाती है. तो और फिर हमने बॉइल्ड वाटर सैंपल का 100 ml लिया. इस 100 ml को जब हमने EDTA सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया तो इसका हमें 10 ml EDTA लगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ दिस वाटर सैंपल. अब ये जो वाटर सैंपल हमको दिया गया है इसकी हमें टोटल हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन क्या है. तो हमें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर गिवन है और इसका कितना वॉल्यूम हमने EDTA के साथ टाइट्रेट किया है, इसका 100 ml वॉल्यूम हमने लिया है और उसे EDTA के साथ टाइट्रेट किया था. और जब हमने EDTA के साथ उसे टाइट्रेट किया था तो EDTA का वॉल्यूम रिक्वायर्ड था 28 ml. तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के 100 ml के साथ हमें 28 ml EDTA लगा था. उसके बाद हम वाटर सैंपल लेंगे. वाटर सैंपल हमने लिया था 100 ml और इसे जब हमने EDTA के साथ टाइट्रेट किया था तो EDTA का वॉल्यूम हमें लगा था 33 ml. तो ये 33 ml हमने वॉल्यूम ऑफ EDTA लिखा. उसके बाद हमने वाटर सैंपल को बॉयल किया था और बॉइल्ड वाटर सैंपल कितना लिया था, 100 ml. तो इसको हमने लिखा बॉइल्ड वाटर सैंपल 100 ml. जब हमने इस बॉइल्ड वाटर सैंपल को EDTA के साथ टाइट्रेट किया था तो उसका वॉल्यूम कितना लगा था, 10 ml. सो 10 ml इज द वॉल्यूम ऑफ EDTA रिक्वायर्ड विद दिस बॉइल्ड वाटर सैंपल. ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन है. इसके अलावा न्यूमेरिकल में हमें एक और चीज गिवन है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर. स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर क्या दी गई है, 0.28 ग्राम CaCO3 पर लीटर. मतलब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के बारे में हमें ये बताया गया है कि 0.28 ग्राम CaCO3 को हमने 1 लीटर में डिसॉल्व करके बनाया है. तो हमने लिखा 0.28 ग्राम CaCO3 इन 1 लीटर और पर लीटर. अब हम इस ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे और इस लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे. तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000. सो 0.28 इंटू 1000 मिलीग्राम और 1 लीटर मीन्स 1000 ml. तो मैंने लिखा 1000 ml.
यहाँ से मुझे मिला 0.28 मिलीग्राम पर एमएल। इसका मतलब हुआ 1 एमएल ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेंट 0.28 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA का मतलब हुआ कि EDTA को स्टैंडर्ड बनाना। तो यहाँ पे हम इसे स्टैंडर्ड बनाएंगे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जैसे हमें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के बारे में पता है कि उसके 1 ml में कितने CaCO3 इक्विवेलेंट आ रहे हैं, उसी तरह से हम EDTA के बारे में पता लगाएंगे कि उसका 1 ml कितने CaCO3 इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो इसके लिए मुझे देखना होगा कि जब मैंने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया था और स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को EDTA के साथ टाइटेट किया था तो कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड था। तो न्यूमेरिकल में मुझे गिवन है 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर व्हेन टाइटेटेड अगेंस्ट EDTA देन 28 ml ऑफ EDTA इज रिक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा 28 ml ऑफ EDTA इज इक्विवेलेंट टू 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब मुझे ये पता है 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेंट 0.28 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो 100 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर मतलब कितने मिलीग्राम ऑफ CaCO3 होगा, ये होगा 100 इंटू 0.28, क्योंकि ये जो 100 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है इसके बारे में मुझे ये पता है कि 1 ml कंटेंट 0.28 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो 100 ml कंटेंट 100 इंटू 0.28 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, और ये 100 ml किसके बराबर है, 28 ml EDTA के बराबर है। तो यहां से मुझे 28 मिलेगा, 28 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इज इक्विवेलेंट टू 28 ml ऑफ EDTA। इसे जब मैं कैलकुलेट करूंगी देन आई विल गेट 28। नाउ 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 28 बाय 28 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। सो फाइनली मुझे क्या मिला, 1 ml ऑफ EDTA इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। सो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के 1 ml में कितने मिलीग्राम CaCO3 था ये मुझे पता था, इसी तरह से अब मैंने इस स्टेप में ये पता लगाया है कि 1 ml ऑफ EDTA इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। फाइन, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन टोटल हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल। सो व्हेन वी टेक 100 ml ऑफ वाटर सैंपल एंड टाइटेटेड इट अगेंस्ट EDTA सॉल्यूशन देन इट रिक्वायर 33 ml ऑफ EDTA। ये न्यूमेरिकल में मुझे गिवन है कि मैंने 100 ml वाटर सैंपल लिया था और उसको EDTA से टाइटेट किया था तो 33 ml EDTA लगा था। अब इस स्टेप से मुझे ये पता है 1 ml ऑफ EDTA इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। सो 33 ml ऑफ EDTA इज इक्विवेलेंट टू 33 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो मैंने इस 33 ml ऑफ EDTA की जगह पर लिखा 33 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट एंड दिस इज इक्वल टू 100 ml ऑफ वाटर सैंपल। इसका मतलब हुआ 100 ml वाटर सैंपल कंटेन्स 33 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। अब मुझे 100 ml के लिए पता है तो मैं 1 ml वाटर सैंपल में कितना मिलीग्राम CaCO3 होगा ये कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो 1 ml वाटर सैंपल कंटेन्स 33 बाय 100 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट 1 ml के लिए पता है, सो वी कैन कैलकुलेट फॉर 1000 ml ऑल्सो। सो 1000 ml वाटर सैंपल कंटेन 33 बाय 100 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। यहां से इसे मैं कैलकुलेट कर लूंगी, सो दिस इज 330 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो ये जो आया 330 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, दिस मच अमाउंट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर सैंपल और वी कैन से इन 1 लीटर वाटर सैंपल। तो इतने मिलीग्राम CaCO3 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरे पास आया है 330, दिस इज द टोटल हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि हार्डनेस की डेफिनेशन ही ये होती है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इतने मिलीग्राम CaCO3 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। तो
तो 330 मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट है 1 लीटर में. सो दिस इज द टोटल हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल. तो परमानेंट हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए मुझे बॉइल्ड वाटर सैंपल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे पता है कि जब बॉइल्ड वाटर सैंपल होता है तो उसमें टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो चुकी होती है. इट कंटेन्स ओनली परमानेंट हार्डनेस बिकॉज टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव बाय बॉइलिंग. सो 100 ml boiled water sample is taken, and when we titrate this 100 ml water sample with EDTA, then 10 ml of EDTA is required for the titration. It is given in exercise. ये हमको exercise में given है. तो ये मुझे पता है 1 ml EDTA is equivalent to 1 milligram of CaCO3 from this standardization step. तो 1 ml EDTA is equivalent to 1 milligram of CaCO3. So 10 ml EDTA is equivalent to 10 milligram of CaCO3. तो इस 10 ml EDTA की जगह मैंने लिख दिया 10 milligram of CaCO3. और ये जो 10 milligram of CaCO3 है, this is equivalent to 100 ml boiled water sample. It means 100 ml boiled water sample contains 10 milligram of CaCO3. Now we can calculate for 1 ml boiled water sample. So 1 ml boiled water sample contain 10 by 100 milligram of CaCO3. Now for 1000 ml boiled water sample, it is 10 by 100 into 1000 milligram of CaCO3. यहां से जब इसे हम calculate करेंगे तो ये हो जाएगा 100 milligram of CaCO3 per liter. So this is the permanent hardness of given water sample, 100 milligram of CaCO3 per liter. Now we have to determine temporary hardness of given water sample. So temporary hardness कैसे determine करेंगे? We know that total hardness of water sample is equal to temporary hardness plus permanent hardness. We have calculated this total hardness and permanent hardness. तो इससे हम temporary hardness निकालेंगे. So total hardness is 330. Permanent hardness is 100, so finally we get 230 milligram per liter. This is the temporary hardness. So in this way we can calculate total hardness of given water sample, permanent hardness of given water sample, and temporary hardness of given water sample. So students, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा.